नमस्कार साथियों, एसके एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो डॉक्टर मनोहरे के बुक से जो है ये सवाल लिया गया है। उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है ना। तो देखिए, इस सवाल से हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। इस सवाल से हम लोग को मिल गया है 22 पदों का योग कर रहा है, तो 22 पद से हम क्या समझेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है। सर्वांतर कह रहा है 7 है, तो यानी कि D का मान यहाँ स्पष्ट लिखा है 7 है, और 22वां पद जो है 149 दे दिया है। 22 पद है या 22वां पद 149 दे दिया, यानी कि लास्टवा पद दे दिया है, लास्टवा पद 149, यानी कि ये 22वां भी, ये 22वां समझिए, चाहे ये लास्ट सब लास्टवा पद समझिए 149, ठीक, या ए 22वां पद समझिए 149 दिया है, जिससे आप समझ जाएँ, ठीक है ना। ठीक, तो ए 22वां बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे जो है हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए ए चाहिए, ठीक। तो ए जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है भाई ए किस में मिलेगा, 22 पदों का योग दिया है, 22वां पद दिया है, तो इससे जो हम लोग ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए 22वां बराबर क्या होगा, ए 22वां बराबर होगा कितना दिया है, 149 दिया है ना। तो अब ए 22वां बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। अब 22 है तो 22 का मतलब एन माइनस वन इंटू डी करेंगे, मैंने ये सूत्र है 149, ठीक। तो 22 है तो एन के जगह पे 22 आ जाएगा, तो ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब 7 है तो 7 लिख देंगे, 149 लिख देंगे। तो जो है ये रेफरेंस दिया गया है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। मैंने इतना बराबर इतना बराबर इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस 22 माइनस वन इंटू 7 है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 21 है, 21 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 149 हो जाएगा, होगा। अब 21 में जो है 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का नौ 7 और 7 दुना 14 147 प्लस में तो रहेगा ही रहेगा बराबर 149 हो जाएगा, होगा। अब इसको इधर कर देते हैं, एक मान ज्ञात करना है तो ये इधर ही रहेगा, इसको इधर कर देंगे तो 149 माइनस में 147 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 149 में 47 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक मान निकल गया 2, तो अब हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे, 22 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 22 पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा, यस एन बराबर होता है क्या, अब देखिए इसमें एल दिया है, यानी कि लास्ट पद दिया है ना, तो एन अपान टू और टू ए धन में एल वाला सूत्र लगा, एन अपान टू ए धन एल वाला होता है, यस एन बराबर लास्ट पद के रूप में ए एन अपान टू ए धन एल, तो ए धन एल से अब जो है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यस यहाँ लिखेंगे 22, यहाँ लिखेंगे 22 बटे क्या 2 इंटू ए का मान हम निकल गया 2, आप लास्ट पर दिया 149 तो 49 कर देंगे, ठीक। तो 22 बट 2 हो जाएगा अपने 49 2 151 होगा, 9 दून आएगा 9 2 ग्यारह के 1 4 5 151 हो जाएगा, होगा 151 हो जाएगा। अब इसको जो है इसे काट दीजिए तो 11 हो जाएगा, 2 1 2 2 11 हो जाएगा, 11 में 151 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1661, यानी कि 1661 होगा, कितना 22 पदों का योग, इतना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। अब 11वां देखते हैं, 11वां सवाल है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की करो जिसके सभी पदों का योगफल 60, सर्वांतर 2 तथा अंतिम पद 18 है, ठीक है ना। अंतिम पद क्या है, 18 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सवाल से हम लोग जो है क्या क्या ज्ञात, क्या क्या दे दिया गया है, यस एन दे दिया गया है, यस एन बराबर कितना है 60, ठीक है। सर्वांतर डी बराबर दे दिया गया कितना 2, ठीक है। अंतिम पद दिया हुआ एल बराबर कितना 18, ठीक है। तो देखिए अब अंतिम पद दे दिया है, हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, यन पदों की संख्या बताना है, ठीक है। तो सब पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को ए डी है, डी दे दिया, यन जो है पता नहीं है और ए भी पता नहीं है, ठीक है, ए भी पता नहीं है, तो ए भी जो है निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकलेगा, यल बराबर 18 दिया है ना, तो यल बराबर दिया है 18, तो यल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए धन
एन माइनस वन आइन टू डी लिख सकते हैं, मैंने एनवा पद अच्छा है एल अंतिमवा पद बराबर लिख सकते हैं ए धन एन माइनस वन इंटू डी, 18 को 18 लिख देंगे। ठीक है भाई, एल बराबर इतना होता है, एल बराबर जो है ए धन एन माइनस वन इंटू डी नहीं लिखते हैं, या एनवा पद बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों सूत्र एक ही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ए धन एन माइनस वन इंटू डी बराबर 18, तो ए प्लस में एन माइनस वन और डी का मान 2 दिया है तो 2 बराबर हो जाएगा 18 होगा, तो ए प्लस जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2n होगा, माइनस में 2 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा भाई, जब इसका गुणा हो जाएगा ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक है, बराबर 18 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, तो ए बराबर अब हम लिख सकते हैं, अब 2n माइनस में 2 है तो 2 को इधर सबको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो 18 तो रहेगा इधर, इसको लाएंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा, इसको लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा होगा। ठीक, तो अब जो है ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 18 और 2 20 और माइनस में 2n, माइनस में 2n, तो ए का मान निकल गया कितना, 20 माइनस 2n हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो दिया गया है यहाँ पर sn बराबर 60। ठीक है, तो sn बराबर जब 60 दिया गया है तो अब जो है यहाँ sn बराबर है 60 के, है ना, तो sn बराबर है 60 के, तो अब sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अगर l दिया है तो ए धन ए n अपान टू आ ए धन l वाला सूत्र लगाएंगे sn का। ठीक है, बराबर 60। भाई sn के दो सूत्र हैं, sn बराबर होता है एक n अपान टू अपोस्ट में 2a धन n माइनस वन इंटू डी, 2a धन n माइनस वन इंटू डी होता है, और एक sn बराबर जब अंतिम पद दिया हो तो n अपान टू आ ए धन l वाला भी सूत्र होता है। ठीक है ना, तो हम लोग जो है ये सूत्र भरेंगे क्योंकि l पता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये भर दिया। ठीक है, अब देखिए n बटे 2 तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद a का मान यहाँ निकला हुआ है, तो a का मान यहाँ भर लेते हैं, 20 माइनस में 2n भर लेंगे, माइनस में 2n हैं, अब प्लस में l है तो प्लस में l का मतलब क्या हो गया, 18 दिया है, बराबर हो गया 60। ठीक है, बराबर हो गया 60 के हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n अपान 2। ठीक, अब 20 माइनस 2n प्लस में 18 है तो 20 18 38 हो जाएगा होगा, अब माइनस में 2n ही रहेगा होगा, अब बराबर लिख देंगे 60 हैं, 60 लिख देंगे, चाहे तो इसको इधर ले जा सकते हैं इस दो को, क्योंकि गुणा के साथ है तो ये इधर आ सकता है, तो यहाँ रहेगा खाली n 38 और माइनस 2n, अब बराबर ये इधर आएगा तो हो जाएगा 60 और गुणे 2। ठीक, तो अब जो है इसको गुणा कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा 38n और माइनस में 2n का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 120 होगा, 120। अब चाहे तो हम लोग जो है दो से पूरा समीकरण में भाग दे दें तो और छोटा हो जाएगा, तो दो से भाग दे देते हैं तो 19 दूना 38n हो गया, और दो से इसमें भाग देंगे तो जो है खाली n स्क्वायर बच गया, अब बराबर जो है ये हो जाएगा 60, यहाँ से दो से भाग देंगे। देखिए मैथ का नियम है कि दो से सभी में भाग दे रहे हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए दो से सब में भाग दे दिया तो ये हो गया छोटा समीकरण। अब इसको हम लोग थोड़ा दिघा समीकरण के रूप में, मानक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे माइनस में n स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस में है ये 19n। ठीक है, तो 19n आ इसको भी इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 60, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब जो है इसको चाहे तो हम लोग अब माइनस हटाना है तो पूरा समीकरण में फिर माइनस से गुणा कर दें, तो जो है मैथ का ये नियम है पूरा समीकरण में किसी अंक से किसी चीज़ से भी गुणा करें तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस से पूरा समीकरण में गुणा करते हैं तो ये सब चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा एन का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 19n हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब बराबर हो गया 0 के। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको जो मध्य पद के बांट के और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्य पद को बांटने का जो है तरीका आप लोग को सिखाए ही थे, इसका इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ समझिए एक के है तो एक गुणा 60 यानी कि 60 होगा, 60 को दो ऐसे भागों में बांटेंगे, मैंने 60 का गुणनखंड कर लीजिए, 15 चौको 60 होता है तो 15 चौको 60
यानी कि 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 अब मानते हैं 15, इसका गुणनखंड हो गया 3 5 15 है, तो गुणनखंड क्या निकला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 निकला। अब इन्हीं अंकों से कुछ ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि जोड़े तो जो 19 हो जाए माइनस में, ठीक है 19 ही हो जाए, आ गुणा करें उनको तो जो है 60 हो जाए। तो देखिए ना 2 दूना 4 5 15, तो 2 दूना 4 5 15 यह लिख सकते हैं। तो अब देखिए 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 को 60 हो जाएगा, दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में 19 लाना है, ठीक है। तो माइनस में 4 यन ले लेंगे या माइनस में 15 यन ले लेंगे तो हमारा जो है गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे यन स्क्वायर माइनस में जो है 4 यन ले लेंगे और माइनस में जो कितना ले लेंगे 15 यन और प्लस में जो है यहाँ ले लेंगे 60, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे यन जो है कामन ले लेंगे, तो यन कामन लेंगे तो यन माइनस 4 हो जाएगा होगा, और जो यहाँ जो है 15 कामन ले लेंगे तो माइनस में 15, तो यहाँ क्या बचेगा यन और माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ माइनस है तो यहाँ जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो है 15 चौको 60 यानी कि 4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यन और इसको जो एक कोष्ट में ले लेते हैं, तो यन माइनस 15 ले लेंगे एक कोष्ट में, यन माइनस 4 ले लेंगे एक कोष्ट में, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है यन का मान निकाल लेंगे, तो यन एक बार जो क्या करते हैं यन माइनस 15 बराबर 0 लिखते हैं, तो यन का मान कितना हो जाएगा 15, और एक बराबर क्या है यन माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना यन बराबर 4, तो जो है यन का मान जो है, तो इस प्रकार यन के जो है दो मान प्राप्त हो गए, यन के जो है दो मान प्राप्त हो गए, यन बराबर 4 एक जो है यन बराबर 15, तो लिख देंगे 4 या 15, ठीक है बस आंसर दे देंगे, ज़्यादा जो है समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 4 या 15 लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।